हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो जैसे कि आप सबको पता है कि रमज़ान चल रहा है और सब कोई ना कोई रेसिपीज़ बना ही रहे, और मैं भी कुछ ना कुछ रेसिपी ट्राई कर रही हूँ और वो सक्सेस होने के बाद ही आप लोग साथ शेयर करती हूँ। उसे मैंने पहले भी एक थोड़ा सा बना के क्वान्टिटी में चेक की थी, बहुत टेस्टी बनी थी, तो मैं चलो आपके साथ भी शेयर करती हूँ। और इसके बाद इफ्तार बाद हम कहीं जाने भी वाले हैं, कहाँ जाने वाले, किसके साथ जाने वाले, क्या करने वाले, वो भी आपको आज देखने मिलेगा। तो वीडियो को स्किप नहीं करते हुए अब हम चलते हैं आगे। तो चिकन मलाई टिक्का बनाने के लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे 1 kg 200 समथिंग चिकन ली हूँ, एंड उस पर सबसे पहले मैं ऐड करूँगी जिंजर गार्लिक एंड चिली पेस्ट। इसमें मैंने जिंजर गार्लिक प्लस चिली भी ऐड की। इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे लेमन जूस, मैंने यहाँ पे हाफ लेमन यूज़ की। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी सॉल्ट स्वाद अनुसार, देन ब्लैक पेपर पाउडर, ज़ीरा पाउडर एंड देन कॉर्नफ्लावर। देन फिर हम इसमें ऐड करेंगे अमूल फ्रेश क्रीम, ये मेरे पास आधा डब्बा रखा हुआ था तो मैंने हाफ यूज़ की, क्योंकि मेरा चिकन की क्वांटिटी ज़्यादा है इसलिए मैंने आधा डब्बा यूज़ किया। और ना आप थ्री टू फोर टेबल स्पून भी यूज़ कर सकते हैं। एंड देन इसमें मैं डाल रही हूँ कर्ड, कर्ड मैंने अप्रॉक्स कितना 4 टेबल स्पून तक के ली हूँ, मीन्स एक ये बाउल भर के, थोड़ा सा कम। इसे अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसमें मम्मा ऐड कर रहे हैं कोरिएंडर एंड चिली, ग्रीन चिली। इसे मैंने पीसी नहीं हूँ मिक्सर में, बिकॉज अगर इसका पेस्ट बन जाता है ग्रीन कलर का तो मेरे को ग्रीन कलर नहीं चाहिए इसके लिए, इसलिए मैंने इसे चॉप कर रही हूँ चॉपर में। और ऐसे हम इसे डाल के इसे भी मिक्स करेंगे। और एक बात, चिली आप अपने टेस्ट के हिसाब से लेना, आपको जितना स्पाइसी चाहिए उस हिसाब से। इसके बाद हम जा रहे हैं कोयला लेने, बिकॉज कोयले का धुआं इज मस्ट, तो हमारे पास इतना भर के कोयले रखे हुए, तो हम 2 कोयले लेंगे। तंदूरी चिकन बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ली तंदूरी चिकन के पीसेस, उसमें मैंने ऐड की जिंजर गार्लिक एंड चिली पेस्ट और हाफ लेमन जूस। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे इस नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च पाउडर, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर और तंदूरी मसाला। तंदूरी चिकन और चिकन मलाई कांडी में हम कोयले का धुआं देंगे और उसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो गाइज, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने 1 घंटे के लिए चिकन को रख दी थी फ्रिज में, तो अभी हो गए हैं 1 घंटा प्रॉपर और अभी बज रहे हैं 6, तो अभी स्टार्ट कर देते हैं आगे का प्रोसेस फ्राई एंड ऑल करना, क्योंकि उतने में ही चिकन कैसे कच्चा है तो उसे पकने के थोड़ा टाइम लगेगा, तो और इफ्तारी का टाइम भी हो जाएगा, तो इसलिए जल्दी जल्दी गरम गरम चिकन मलाई टिक्का बनाते हैं। चलो तो गाइज, मुझे आप लोग के साथ एक बात शेयर करनी है। मुझे कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे इंस्टाग्राम पे एंड यूट्यूब पे भी कि रोज़े में होके आप लिपस्टिक लगाते हो, मेकअप करते हो, तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि मैं मेकअप नहीं करती हूँ, लिपस्टिक लगाती हूँ। लिपस्टिक या तो कभी कभार लिप बाम लगाती हूँ, वो भी मैं मेरे फिंगर टिप्स के हेल्प से मैं लगाती हूँ। और रोज़ा मखरू होना या टूट जाना वो कब होता है, जब लिपस्टिक का टेस्ट आपके ज़बान पे लग जाए या आपके गले को उसका टेस्ट हो जाए तो उससे रोज़ा मखरू होता है, और कुछ लोग बोलते हैं टूट जाता है, तो जो भी, तो मैं ये सब चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखती हूँ और मुझे ये सब चीज़ की अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी चीज़ों की नॉलेज है, मुझे पता है क्या करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए। मतलब और कुछ लोगों को आदत होती है कि अपनी टंग से लिप्स को लिक करना, तो उस वजह से भी रोज़ा मखरू होता है क्योंकि ज़बान को लिपस्टिक का टेस्ट लग जाता है, तो वो लोग नहीं लगा सकते, बट मुझे सब चीज़ कुछ आदत नहीं है। और मैं इतनी कोई डार्क लिपस्टिक या ऐसा लिपस्टिक भर देती हूँ मेकअप, वो मैं नहीं करती। अभी भी मैं विदाउट मेकअप मैंने जो लिपस्टिक लगाई थी वो भी मेरी निकल गई थी पूरी ड्राई, देखो। अब मैं उसको क्या बोलूँ, पता नहीं, मतलब कुछ ही लोग, सब नहीं, कुछ लोग ऐसा कॉमेंट्स करते, और अगर उन लोग खुद अपने आप को पर्सनली देखेंगे तो उन लोग खुद ना नमाज पढ़ते ना ये, कुछ लोग पढ़ते भी है, सबको नहीं बोल रही, कुछ लोग मैंने जिनको देखी हूँ मैं उन लोग की बात कर रही हूँ। और जो भी है, तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ों की नॉलेज है, किससे क्या होता है, किस तरीके से रोज़ा टूटता है, मखरू होता है, क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते, और मैं कितनी इबादत करती हूँ नहीं करती हूँ। लोग बोलते हैं दिन भर वीडियोज़ बनाती है, ये करती वो करती, नमाज दुआ है नहीं इसको, तो मुझे पता है मैं कितनी नमाज पढ़ती हूँ, कितनी इबादत करती हूँ। तो मैं ये वीडियो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट पर्पज़ के हिसाब से बनाती हूँ, आप लोग देखो एंजॉय करो। और उसके आड़ में मैं अभी जस्ट असर की नमाज़ पढ़ी और जा रही हूँ मैं चिकन टिक्का मलाई बनाने, चिकन मलाई टिक्का बनाने।
और मुझे बताना नहीं था, बट मैं अभी बात निकली इसलिए मैं बताई कि मैं वीडियोस में शेयर नहीं करती हूँ कि मैंने किसी को गरीबों को खाना बांटी और किसी की हेल्प करी, मैं इतनी नमाज पढ़ी, इतना कुरान पढ़ी। ये मैं अपना पर्सनली करती हूँ, मैं इस चीज़ का शो ऑफ नहीं करती हूँ, ना मैं वीडियोस में दिखाती हूँ। और अगर कुछ व्लॉगर्स यूट्यूबर्स अगर वीडियो में दिखा भी रहे हैं कि हम अभी नमाज पढ़े वगैरह, नमाज को जा रहे, फिर हम आगे मिलते हैं नेक्स्ट आगे क्लिप में मिलते हैं, जो भी है, तो उन लोग आप लोग को बस एक शेयर कर रहे हैं, उन लोग ना दिखावा कर रहे हैं, ना उन लोग बता रहे कि हम इतनी दुआ करते हैं, इतनी इबादत करते हैं, ये सब। वो बस नॉर्मली आप लोग को एक फैमिली मानते हैं, मैं आप सब मेरी फैमिली हो, तो मेरी फैमिली से बस शेयर करते हैं। तो आप लोग उसे प्लीज़ रॉन्ग वे में मत लो। और मैं ये सब सिर्फ कुछ लोगों को बोल रही हूँ जो ऐसा कॉमेंट्स करते हैं और जो ऐसा सब सोचते हैं। इंजॉय करो हमारी वीडियो, देखो आप लोग को इतना पसंद है इसलिए हम आप लोग के लिए ही तो बनाते हैं। हमारी डेली रूटीन क्या है, हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, हमारी कुछ हम खरीदते हैं, कुछ नया बाय करते हैं, कुछ हम कुछ करते हैं घर पे, तो हमें बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ शेयर करना, आप लोग को दिखाना और डेली रूटीन लाइफ। तो बस मेरा ये बोलने का मोटिव है कि बस आप लोग हमारी वीडियोज़ को हर चीज़ को एक एंटरटेनमेंट पर्पज के हिसाब से लो, और आप लोग भी इबादत करो, आप भी नमाज दुआ करो, और माशाल्लाह बहुत से लोग करते भी हैं क्योंकि सब अपने हिसाब से अपना बराबर अपने लिए करते हैं, तो वही। और अभी चलिए चलते हैं चिकन मलाई टिक्का बनाने। तो गाइज यहाँ पे मैंने मेरा चिकन मलाई टिक्का निकाल दी हूँ फ्रिज में से, और जो मैं चिकन तंदूरी बना रही थी वो भी निकाल दी हूँ बाहर, और यहाँ पे मैंने कढ़ाई दोनों रख दी हूँ क्योंकि इसमें मैं सोच रही हूँ कि चिकन तंदूरी अगर देखती हूँ ये दोनों में आ जाता है तो ठीक है, अगर एक में हो जाता है तो और भी अच्छा है। तो सबसे पहले हम तंदूरी चिकन को फ्राई करने डालेंगे। तो एक बात ध्यान रखना गाइस कि आप जब भी कोई चिकन को निकालोगे बाहर तो एक बार उसे अच्छे से मिक्स कर देना अपने हाथ से, एंड देन उसे फ्राई करने डालना। मैंने यहाँ पे चिकन फ्राई करने रख दी हूँ, और अब हम लेंगे चिकन मलाई टिक्का, तो इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे क्योंकि इसे फ्रिज से निकाल के मैंने मिक्स नहीं की थी। एक बार मिक्स करके फिर हम इसे स्टिक के अंदर लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं चिकन मलाई टिक्का कांडी रेडी हो चुकी है फिल करके, अब बस इसे फ्राई करना बाकी है, तो अब हम इसे जल्दी जल्दी इसे फ्राई कर लेते हैं। तो गाइस मैंने यहाँ पे चिकन मलाई टिक्का कांडी को फ्राई करने डाल दी हूँ, हमें नॉन स्टिक पैन यूज़ करना है और डीप फ्राई हमें नहीं करना है। और मैंने अभी एक साइड पलट दी, उसे स्लो टू मीडियम में रखेंगे, फुल नहीं रखेंगे क्योंकि चिकन कच्चा है तो हमें थोड़ा पकने इसे टाइम लगेगा। अच्छे से रोस्ट कर लेंगे थोड़ा गैस पे रख के, बस ध्यान रहे हमें जलाना नहीं है। ये देखिए तो यहाँ पे हमारा चिकन हो रहा है, एंड यहाँ पे मैंने एक छोटी सा टोप बर्तन ली हूँ, उसको स्लो गैस पे रखी हूँ, उस पर मैं डाल रही हूँ बटर। देखो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने बटर डाली हूँ क्योंकि हमें इसका क्रीम रेडी करना है, और ध्यान रहे कि बटर जलना नहीं चाहिए एकदम। मैंने देखो स्लो गैस पे रखी हूँ, और उसमें हम ऐड कर देंगे फ्रेश क्रीम। ये फुल पैक्ड फ्रेश क्रीम है, न्यू पैक। अब मुझे एकदम क्रीमी क्रीमी रखना है, इसके लिए मैं इसमें पूरा फ्रेश क्रीम, 1 kg चिकन के हिसाब से मैंने इसमें फ्रेश क्रीम ऐड कर दी। आप देख सकते हैं कि बटर कितने अच्छी तरीके से मेल्ट हो गया है, और क्रीम भी कितना अच्छा टेक्सचर आया इसका, कलर भी है। तो इसे हमें ज़्यादा टाइम तक के गैस पे नहीं रखना है, सिर्फ बटर मेल्ट होने तक के रखना है, एंड इसके बाद हम इसका गैस अब ऑफ कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग की इफ्तारी बहुत अच्छे से हो गई, और रेसिपी आई होप आप सबको अच्छी लगी रहेगी, और ट्राई करना क्योंकि बहुत यम और बहुत टेस्टी बनी थी। सो जैसे कि मैं आप लोगों को बोली थी कि हम कहीं जाने वाले हैं, तो हम मीन्स मैं, इब्बू, शाहिद और इब्बू की मम्मी और मेरी मम्मी, हम लोग जा रहे हैं मोहम्मद अली रोड। जैसे आपको पता है मोहम्मद अली रोड बहुत ही फेमस है फॉर इफ्तारी, सहरी और बहुत सारे कपड़ों के लिए, चीज़ों के लिए। तो ऐसे ही घूमने जा रहे हैं हम, और सुनने में आया कि बहुत ज़्यादा रश है। लिफ्ट आ गई, चलो। तो सुनने में आया है कि बहुत ज़्यादा रश है वहाँ पे, बट क्या करें, जाते हैं देखते हैं, देखते कोशिश करते कुछ लेने की। वैसे मेरी ईद की शॉपिंग तो हो गई है, मैंने सब ऑलमोस्ट ऑनलाइन ही मंगाई,
क्योंकि इतना मार्केट में कैसे घूमेंगे, वो नहीं समझा इतने रश्मि, वो कुछ समझता भी नहीं है लेने के लिए। तो अभी देखते हैं क्या पसंद आता है और भी चीजें लेना, अभी एक ड्रेस में थोड़ी ना बस हो जाता है। तो ठीक है, देखते हैं क्या क्या मिलता है और रश तो बहुत रहने वाली है, पता नहीं ब्लॉग शूट करने मिलने वाला है कि नहीं मिलेगा, लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी ब्लॉग अच्छे से शूट करने के लिए और इसको देखूंगी। क्या कर रहे हैं, करना क्या चाह रहे हो आप? वाह, किससे? इतना बेकार था तेरा मुझे छुपाने की नौबत आ गई। चल खड़े गई है। और तू रुक 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 रुक, मम्मी को तो हम लोग लेना ही भूल गए। चलो चलो चलो, मम्मी को लेते और मिलते सीधा मोहम्मद अली रोड पे। और कपड़ा क्यों चेंज करने गए थे? को चेंज करूंगा अभी कपड़ा। चप्पल मेरी खोल गए थे मैं तो वही पहन के उतरा अभी पहन। Wow, Shahid, you are looking too beautiful. I like it. तुम लोग इतना घाई घाई में क्यों चल रहे थे? मैं नहीं, मैं तो नॉर्मल चल रही थी, एकदम स्लो चल रही थी। तुम लोग क्यों स्लो चल रहे थे? मैं आंटी होके वजह से चल रहा था। तुम घड़ी देख के चलो। आओ आ जाओ आ जाओ। किसको बोल रहे हैं? मेरे को लगा कि पब्लिक बुला रहा है। आ गया आ गया आ गया आ जाओ। और पीपल के ऊपर का है, पीपल तो गए फोटो आएगा मुझे कितने का? 400 की पैसे और रुपए की नहीं लिया। बहुत मारूंगा बंदा, बहुत मारूंगा मैं। कैसा लग रहा है शॉपिंग करके? परेशान। एक थैली पकड़े उसे और एक मैं भी दिखा दो दिखा दो दिखा दो। मत पकड़ो, कुछ मत पकड़ो, बिचारे थे बच्चे के हाथ में कितना क्या क्या देख लिया। ऊपर से भी मोबाइल भी आने वाला है, बहाने बहाने, इसलिए मैं थोड़ा जिम में जाया करो। प्यास लगी है, पानी बॉटल लो। So, कितने टाइम बाद मम्मी ऐसा घूम रहे ना, इतना सुकून लग रहा है। लेकिन शहरी का टाइम भी उतना ही हो रहा है क्योंकि कितने बज रहे हैं? हमें 4 बज रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं अभी खबसा खाने के लिए। कहाँ पे हमने मस्जिद मस्जिद नवा मस्जिद बंदर नहीं, कहीं तो भी जा रहे। क्या नाम लिया इब्बू ने? कुछ तो भी नाम लिया था, याद नहीं आ रहा। वहाँ पे जा रहे हैं और यहाँ से मोहम्मद अली रोड से वो 15 मिनट दूर है और अभी 4:15 बज गए और हमें ये भी नहीं मालूम है ऊपर से कि वहाँ पे वो रेस्टोरेंट खाली मिलेगा हमें या नहीं मिलेगा। और अगर खाली नहीं मिला तो लग गए क्या खजूर पे। इतना दूर आगे भी हम लोगों ने अब तक के कुछ नहीं खाया क्योंकि हम लोगों ने ना खप्सा के लिए पेट खाली रखे कि वहाँ का खप्सा बहुत यम रहता है, ऐसा इब्बू ने बोले थे क्योंकि लास्ट टाइम इब्बू खाए थे। मैं बोली चलो एक बार वही टेस्ट करते हैं। तो लेट्स सी नसीब को है कि नहीं खप्सा। हाँ माँ, तो ये देखो गाड़ी का इतना दूर कब से चल रहे हैं मालूम हम लोग? हमारा एक तो एक सर दुख रहा है क्योंकि ना यहाँ पे ना अत्तर वाली गली स्टार्ट हो जाती है तो मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अत्तर नहीं चलता, मेरे को बहुत स्वीट स्वीट भी नहीं, मुझे बहुत लाइट एंड डिसेंट सी फ्रेग्रेंस पसंद है। सो मेरा सर ऐसे ही पकड़ लिया है, हम लोगों को समझ में नहीं आ गाड़ी में कैसे बैठूं क्योंकि वो गाड़ी की एसी भी नहीं चलती है। उफ, खड़े भी उल्टी हो जाएंगे मेरे पास।
बस बस दिख रहा है मसाला है उसमें, कितना खोद रहे हैं, कितनी भूख लगी है। अरे 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 सबर सबर। शायद मेरे को है ना इतना सूना सूना सा रास्ता देख रहा है, एक गाना याद आ रहा है, चल साथ में गाते हैं। सूना सूना है जहाँ ये गया ये जहाँ सो गया। आज रात शहरी का वक्त हो चुका है, चलिए पानी पीते हैं। खुद ही बोल के खुद ही पियो। दवाई खाया तुमने? जल्दी पहले दवाई खाओ। वही तो बोल रही, तो तुम लोग उठ के आगे वहां से दिखाते हैं। है पानी है शायद, पानी दे। है ना पानी, है ना पानी, है लो पानी लो दो। पर अजान होती कभी भी नहीं छोड़। नहीं 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 गुनाह हो, नहीं हुआ है टाइम, पहली अजान है। दवाई तू आवाज आई इतना पे ही मेरी मम्मी कुछ नहीं, तुम क्या मुंह पे हाथ रख रहे हो? अरे पढ़ो, चलो लवाई दो नहीं पढ़ाऊंगी, लवाई तू मैं पढ़ाऊंगी, लवाई तो मैं पढ़ाऊंगी। हां उस ब्लेशन ले इसमें कौन, लवाई तू आना सामू गदन लिल्लाही ताला ताला मिन फर्जी रमजान 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 शाहिद। अरे अल्लाह पेट भरा हुआ है, रोजा कैसे लगा? बहाने रोजा नहीं रखने के। या अल्लाह हमारे रोजा अच्छे से चले। क्यों ऐसा? लखनवी कुर्ती के लिए गए और जो फाइनली मेरे को मिल गई, इतने इमरजेंसी में भी शॉपिंग खत्म नहीं हो रही है। बोलो क्या आंटी, कितनी शॉपिंग कर रहे हो? जबरदस्ती जो चाहिए मेरे को, तो ड्रेस लेने का था वो नहीं हुआ, हम क्या करेंगे उसको, अब रिहा दिख लेंगे तो ले लेंगे। ये देखो ये पर्स कैसा है, माशाल्लाह बहुत अच्छा, मस्त है ना, वाइट 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 हाँ, उसका वाइट ड्रेस अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हमारी सहरी बहुत ही अच्छी तरीके से हो गई। एक्चुअली मुझे बहुत अर्जेंट से पी आ गई, तो हम लोग पूरे रास्ते पे ढूंढ रहे वॉशरूम, कितनी घाई है तुमको, तो हम लोग पूरे रास्ते पे ना हम लोग वॉशरूम ढूंढ रहे थे, हम लोग पूरे रास्ते पे ना वॉशरूम ढूंढ रहे थे, एंड फाइनली मुझे वॉशरूम मिल गया और मैं हो गई एकदम रिलैक्स, सब सुकून से गाड़ी में बैठो घर जाते। मैं करती हूँ वॉशरूम के बारे में भी ब्लॉग, तुम्हें क्या करना है, तुम क्यों इंटरफेयर कर रहे हो? तुम नहीं, हाँ तुम जाओ कभी, उनको बताती हूँ। रास्ते के किनारे पे खड़े रहो पी करते हुए, मैं बताऊँ तुम्हें। चलो तो मुझे इतना प्यार मिला मोहम्मद अली रोड पे, और हर साल का है माशाल्लाह, और डे बाय डे क्राउड बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, तो थैंक यू सो मच, ऐसे ही प्यार दो, ऐसे ही सपोर्ट करो, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।